प्यारे बच्चों, आज हम नैतिक शिक्षा के पाठ 15 उद्घोष को पढ़ेंगे। इसे हम गायन विधि से पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी ध्यान से इसे देखेंगे और याद भी करेंगे। हम दयानंद के सैनिक हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। यदि पर्वत आए रस्ते में, ठोकर से उसे गिरा देंगे। हम पुत्र हैं भारत माता के, माता पर संकट छाया है। उसके सब बंधन काटेंगे या अपना शीश कटा देंगे। दुनिया में अंधेरा फैला है, पापों ने डेरा डाला है। प्रकाश वेद का रोशन कर हम उसको शीघ्र मिटा देंगे। है श्रद्धा नंद और लेख राम जी, लक्ष्य हमारे जीवन के। हम हंस राज हो जाएंगे, बस धर्म पर जान लुटा देंगे। ये दयानंद के सैनिकों का उद्घोष है, नारा है कि हम दयानंद के सैनिक हैं और दुनिया में धूम मचा देंगे। यदि पर्वत उनके रास्ते में आएंगे, पर्वत यहाँ मुसीबतों को बोला गया, अगर उनके जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी तो वे उन्हें उनका डटकर मुकाबला करेंगे और उन्हें गिराकर ख़त्म कर देंगे। हम पुत्र हैं भारत माता के, माता पर संकट छाया है। हम भारत माता के पुत्र हैं और माता पर संकट छाया है। ये उस समय की पंक्तियां हैं जब भारत गुलाम था। तो उसके सब बंधन काटेंगे या अपना शीश कटा देंगे। हम भारत माता के बंधनों को काट देंगे, उसे आज़ाद करवा देंगे, अथवा अपना शीश कटवा देंगे या बलिदान दे देंगे। दुनिया में अंधेरा फैला है, पापों ने डेरा डाला है। दुनिया में अंधकार, किस चीज़ का अंधकार है? अराजकता का, चारों तरफ जो है अंधविश्वास का अंधकार है, उसको दूर करेंगे। कैसे करेंगे दूर? वह प्रकाश वेद का रोशन कर हम उसको शीघ्र मिटा देंगे। हम प्रकाश वेद का ज्ञान रूपी प्रकाश फैला करके उसे मिटा देंगे। है श्रद्धानंद और लेख राम जी, लक्ष्य हमारे जीवन के। हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है? कि हम श्रद्धानंद और लेखराज जी की तरह बने। हम हंस राज हो जाएंगे, बस धर्म पर जान लुटा देंगे। और हम धर्म पर जान लुटाने के लिए महात्मा हंस राज की तरह हो जाएंगे। हम महान भाव देखिए, हम महान क्रांतिकारी व समाज सुधारक ऋषि दयानंद जी के सैनिक हैं। बड़े से बड़े संकट में भी हम नहीं घबराते। वेद ज्ञान की रोशनी, वेद ज्ञान की रोशनी में से अंधविश्वास व पाखंड को हम दूर भगा देंगे। जिस प्रकार श्रद्धानंद और हंसराज ने कार्य किया है, हम भी धर्म, मानव समाज और देश की सेवा में अपने आप को समर्पित कर देना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको यह चैप्टर, यह पाठ अच्छे से पढ़ना है और इसको गायन विधि से, जैसे आपको अभी करवाया गया है, उस तरह से भी याद करना है। धन्यवाद।